हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी मिशेल पॉल। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो हियर आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। वाओ, बहुत लेट हो गया नया व्लॉग बिकॉज मैं बीच में बीमार हो गई और अभी भी मेरा गला बहुत तंग कर रहा है मुझे। खैर, अभी मौका मिला ये व्लॉग बनाने का तो मैंने सोचा कि ना व्लॉग बनाया जाए। तो बेसिकली आज का मेरा व्लॉग जो होना है वो है ये कि मैंने जाना है अपनी दोस्त की तरफ। उसने गेट टुगेदर किया फ्रेंड्स का तो मुझे भी बुलाया है, तो उस गया की तरफ जाना है जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। थैंक यू सो मच, आप सब मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे मेरे पिछले व्लॉग्स में। मैंने आप सबके कमेंट्स और सबका सपोर्ट देखा है, थैंक यू सो मच उसके लिए। और मीरा शेज़, आई लव यू सो मच यार। वो बंदी लाइक उसने मेरा लास्ट व्लॉग देखा तो मुझे कहती है आप जल्दी जल्दी नया भेज, तो आई लव यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। क्योंकि किसी को अप्रिशिएट करना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो तुम लोग मुझे कर रहे हो उसके लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। और इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि व्लॉग्स मेरे बार बार देखती हैं और मुझे बताती भी हैं तेरा, अच्छा हम बोर हो रहे थे, हमने तेरा व्लॉग देखा, हमें इतना मज़ा आया, तो मुझे बहुत खुशी होती है ये सुनकर। तो आज का व्लॉग अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, यूनिवर्सिटी से मैंने उसकी तरफ जाना है। खैर, साल ख़त्म होने वाला है तो साल के आखिरी दिन चल रहे हैं। ये साल मेरा बहुत 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 वर्स्ट ईयर गुजरा है, जिसके अंदर मैं बहुत रोई हूँ, बहुत कुछ मैंने देखा है, बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी और वो हुई हैं। कुछ चीज़ें वो थी जो मैं चाहती थी मुझे मिलें और वो आकर मेरे हाथ से चली गई, और मतलब बहुत सारे पड्डे हुए। बट स्टिल अभी उम्मीद है कि ये आखिरी मंथ है, आखिरी डेज़ हैं, तो मैं बस यही चाहती हूँ कि खुदा आगे अगला साल जो आ रहा है मुझे बहुत 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 अच्छा वाला दे, ताकि जो जो मैंने इस ईयर में देखा है उसका एटलीस्ट मुझे भूलने में आसानी हो और मैं सब कुछ भूल जाऊँ। और उन सब के लिए भी दुआ करती हूँ कि खुदा उनको भी बहुत सारी खुशियाँ दे जिन्होंने इस साल में बहुत ज़्यादा पेन, क्राइज और बहुत कुछ देखा है, बिकॉज मुझे पता है ये चीज़ें इंसान को कितना हर्ट करती हैं। अब ये एंड आया ना ईयर का तो मुझे फील हो रहा है कि इस ईयर में कितना कुछ ऐसे हुआ है जो नहीं होना चाहिए था और वो हुआ है। बट क्या कर सकते हैं, जैसे खुदा को मंजूर होता है वही होता है। बट मैं फिर भी इस चीज़ से खुश होती हूँ कि अगर कुछ गलत होता भी है तो एटलीस्ट मेरे पास इतनी हिम्मत होती है कि मैं उन चीज़ों को बर्दाश्त कर लेती हूँ और वो ठीक भी हो जाती हैं। और इस साल में मैंने बस एक ये भी चीज़ सीखी है कि आप किसी चीज़ को फोर्स नहीं कर सकते हो, किसी शख्स को, किसी को आपकी लाइफ में रुके या आप उसे कंट्रोल करो। आई थिंक ये सब गॉडली चीज़ें होती हैं कि जिसने आपकी ज़िंदगी में आना है या जिसने रहना है या जो चीज़ आपको मिलनी है वो खुदा की मर्ज़ी से होती है। अक्सर ऐसा भी होता है कि हम जो चीज़ चाह रहे होते हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन हमें नहीं ना दिखता उसका फ्यूचर हमारे साथ क्या होने वाला है, तो इसीलिए खुदा चुपके से उसे हमसे निकाल लेते हैं। लेकिन हमें लग रहा होता है ये बहुत गलत हुआ है, बट वो गलत नहीं होता, वो बहुत अच्छा होता है। मैंने ये चीज़ें फ़ील किया, बहुत कुछ ऐसा भी हुआ है इस ईयर में जो मुझे लगा कि लाइक यार ये क्या, मैं तो ऐसे नहीं होना चाहिए था ना, लेकिन उसके होने के बाद मुझे बाद में कुछ चीज़ें ऐसी दिखी हैं कि अगर वो ना होता तो ये सब कैसे होता ना। तो ये चीज़ें बहुत मुझे इस दफ़ा फील हुई हैं। और हमें किसी चीज़ को या किसी शख्स को अपनी लाइफ में रखने के लिए, मिन्नते करने के लिए, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका है वो आपका ही रहेगा एट द एंड। तो बस यही कहूँगी कि जो भी होता है बस शुक्र किया करो खुदा का, ज़िंदगी है, चलता है, होता है और ये तो होना है। ओके, तो अब मैं जाने वाली हूँ क्लास में। हेलो मिशी, मिशी हेलो करो। ये मेरी बहना गंदे मुँह वाली और ये नताशा बाजी। तो अभी मैं क्लास में जाऊँगी और उसके बाद फिर मैं आगे का व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। उस और उससे पहले मैं चीज़ी खा लूँगी। तो ओके, तो हम जा रहे हैं क्लास में क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, 12:10 हो गए हैं और 12 बजे हमारी क्लास थी। और हमारी टीचर भी ऐसी हैं कि
सॉरी यार, मैं बहुत मुश्किल से बोल रही हूँ, लेकिन ये ब्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी था इसीलिए। बबलू वाला? हाँ, ब्लू वाले को ले। अच्छा, आपको एक रंगीनी दिखाती हूँ। किधर किधर, वो देखो पीछे, ऐसे ऐसे अजूबे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। हर मैं कहती हूँ, मैंने यहाँ पर हर कलर के बाल देख लिए। शुक्र है मैंने गोल्डन करवाया हुआ। तो अभी हम जा रहे हैं क्लास में। बच्ची डर रही है, मैम गुस्से ना हो, क्योंकि मैम हमारी बहुत सारी बहुत 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 गुस्से वाली, बहुत सड़ियल टाइप है। उनका मूड अच्छा हो तो आप अच्छे हो, उनका मूड बुरा हो तो आप बुरे हो। अब देखते हैं क्या हाल करती है हमारी। हाँ यार, सौदा सौदा। ओहो, दोनों डील कर टाइट। चले उस पे परमानेंट, और हजरत होंगे कोर्ट में ये दिल का जज कहे। ऑर्डर ऑर्डर। खाली बिली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूँ तो टोकने का नहीं। हमारी क्लास खत्म हो गई। ये बोलो ये बोलो ये ये बोलो। अब मुझको जाना है मेरी दोस्त के घर, तो यहाँ से सीधा मैं जाऊँगी उसके घर। और मेरी बहन जो के ग्राउंड में मेरा वेट कर रही थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो। फिर ये दुनिया जहान की वेली औरत बस फोन पर चिपकी रहती है। आज बताएं मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे पता है मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी लग रही हूँ, बट स्टिल आई वॉन्ट टू नो। चलो अब दसो मैं कैसी लग रही हूँ। हमारी कदर उनसे पूछो, हमारी कदर उनसे पूछो, जिनको हम नसीब नहीं, जिनको हम हकीकत हम बता रहे हैं ना, उनसे हम क्यों पूछे। जरा बस दे, वही दस दे। इतनी भी वैसे बुरी नहीं हूँ मैं, बहुत अच्छी हूँ। अच्छी भी नहीं हूँ, बट इतनी बुरी भी नहीं हूँ। ऐसी अच्छा चलता है, मैंने कहा बॉडी को क्राइस्ट को पता है मैं वीडियो बना रही हूँ, उसके ऊपर ढक्कन लगा के दिया। चल ढक्कन समेत पी यार, इसका मजाक नहीं है। लेज वगैरह मैं छोड़ सकती, पेप्सी लव है मेरा। एक दफा का जिक्र है कि मैं होती थी और किन्नू होता था, अभी भी दोनों होते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा अलग अलग होते हैं। तो मुझे ऑरेंज बहुत ज्यादा पसंद थे। मेरे सेकंड ईयर के एग्जाम्स होने वाले थे, रात का टाइम था और मुझे अभी तक वो दिन याद है। मैं पेपर की तैयारी कर रही थी और वो मैंने किन्नू खा लिया, उसका सीड जो था वो मेरे गले में अटक गया। बहन मुझे इलायची खिलाते हो यार, मेरा गला खराब है। तुम लोग मुझे चल चल दे, दे। क्या मिर्चे, मैंने क्या खाया ए, नहीं लेज नहीं खाना ए, मैं बस दवाएं चाहिए, क्योंकि इस साल मुझे दवाओं की सख्त जरूरत पड़ी है। शायद उन्होंने सब ये देंगे नहीं यार, शादी के लिए। हाँ, मंगनी का सोचा जा रहा है। नहीं उसको पता है, आग लगी है पता। नहीं यार, मुझे सिर्फ एंगेजमेंट का शौक है और कुछ नहीं। वो भी इसीलिए कि बड़े हो गए हैं, चलो इस एज में इतना तो चलता है ना। मैं 20 की होने वाली हूँ यार, कोई नहीं है। आई एम गोइंग टू टर्न 20। मेरी शादी वाले 25 साल में एक दफा हो। सॉरी, इन लोगों को शादी की बहुत जल्दी है। मैं बहुत शरीफ बच्ची हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं सोचती हूँ। हमें पहले अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, उसके बाद फ्यूचर पार्टनर के बारे में सोचना चाहिए। उससे पहले अच्छा कुछ नहीं है, बट हाँ 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 हाँ, ये छोटी छोटी ख्वाहिशें होती है हर लड़की की होती है, मेरी भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद को प्यारा कहना। मुझे
पीछे से आके बॉल बजा है, ये वाला अरबा बंदे ने क्या बोला है? Sorry. और मैंने बोला इट्स ओके. मुझे पहले इतनी मुश्किलें देखनी पड़ी हैं इस साल में, अब एंड आया. मैं चाहती सब अच्छा और बहुत कुछ अच्छा हो भी रहा है. मुझे जिन जिन चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी वो हो रही हैं. वही है यार, बुरा भी एक्सपेक्ट नहीं करते तो हो जाता है, तो अच्छा भी एक्सपेक्ट नहीं करते और अच्छा भी हो जाता है. अभी फिलहाल मेरा गला मुझे बहुत एक्सट्रीम किस्म का तंग कर रहा है. एनी वेज सो गया था करो हमारे काओ देखो जरा मारू के काओ तो देखो तू रहो. आई एम टेकन, आई एम मैरिड, आई एम योर सीक्रेट कीपर. तू नहीं है, बड़े लोग हैं, इसको भी पता उसको भी. मैं तो राह जान देने दस देनी है. मिशाज बिल्कुल अच्छा सा एक गाना लगाई, वो वाला लगाई जरा ए प्लीज, एक गाना मेरे हजूर. मैं भी एक गाना डेडिकेट करती हूँ. ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा पसंद है. आई जस्ट लव दिस सॉन्ग. बैठो यहाँ पे, हम लोग जा रहे हैं. गाइस प्लीज एक्सक्यूज अस, अब हम जा रहे हैं घर. तो भाई भाई और जैसे कि मैंने ये पकड़, मेरे बाल इतने पूरे लग रहे हैं. नजदीक से रात भर देख लूं मैं तुम्हें, जाने ना दूं इस दफा, रोक लूं मैं तुम्हें, तू सामने. जाने दिया ना तुझे फिर देखी. तू सामने सच में हो या कोई ख्वाब है, खुद पे नहीं है ये कि रेडी हो रही है, आ नहीं रही है. मैं तो उसके घर की दोस्त हूँ, मैं तो इसकी हर हर का पता है मैंने क्या करना है इसका. वो तहजीब उल अखलाक देख कर, बाकी बस ये साल जल्दी जल्दी गुजरे, एक नया ईयर आए, सबको खुशियाँ मिले. लाइफ को बैलेंस रखने के लिए दुख आने भी ज़रूरी. लाइक हम हर टाइम खुश रहें तो वो बैलेंस नहीं बनता ना. ऐसे होता है कि एक पेन से निकल कर आप खुशी में आओ तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है. और मैं वह सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ. लाइक आपको एक सीवियर किस्म का पेन मिला है, ठीक है, आप बहुत तकलीफ़ से गुजरे हो, आपको किसी ने बहुत हर्ट किया, और बाद में वो चीज़ें या वो बंदा वो आपके इतनी केयर करे, इतना प्यार करे, वो चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं, तो फिर इंसान को बहुत खुशी होती है. लाइक उसे लगता है उसे ज़िंदगी की हर खुशी मिल गई है. तो उन चीज़ों को फील करने के लिए बुरा होना भी ज़रूरी है. लो जी, इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म और ये बंदी आ गई है रेडी होकर. आए उसिया, आए आए उसिया, आए ये रही उजिया. मुझे इस तरफ आओ लाइट की तरफ. ये रही उजिया, मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड है ना. इकलौती है नहीं, मेरी एक दो और हैं फ्रेंड्स. एक हमने प्यारे लोगों से दोस्ती भी की. जा रही हो, जाओ बाय बाय, अब ना आना. हाँ ये देखो, ये रहा क्रिसमस ट्री जो मैंने और उजिया ने मिल के रेडी किया था. अच्छा उस दिन मैंने सोचा था मैं ना लोग बनाऊँगी, लेकिन नहीं बना पाई बिकॉज़ फीलिंग नॉट वेल और उलिया भी नहीं ठीक था, तो बस सोचा कि नहीं बनाना चाहिए. और फिर होता है कि लाइफ में इतना मेस्ड अप हुआ होता है कि दिल नहीं करता कुछ करने का. जब जो आप कहना चाहेंगी मेरे बारे में, फिर जैसे दोस्त पास से आपको कैसा महसूस होता है? अच्छे वाले, वेरी ब्लेस्ड. नया साल है, कुछ लोगों को कहना चाहेंगी कोई एडवाइस, कोई कुछ? इस जैसे दोस्त तलाश करें, नहीं मिलते तो एक नहीं तो देखो यार कितना प्यार करती है बंदी मुझसे, है ना. ट्रू लव, ट्रू लव. चल करा फन करा डब विच गन तरा जेब विच काली खब्बी सीटी उते रन खड़ा.
कंपनी में नहीं दे रहे, झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे, झूठ कंपनी हम ये लेनी नहीं चाह रही, ये लेनी नहीं चाह रही हमारी कंपनी, अब चाह रही कंपनी बात ये है। किस तरह शुरू करें हम, क्या शुरू करें, कौन है यहाँ पर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, ये बात नहीं करने वाला, तुम लोग डरते हो, तो आज का मैं अपना व्लॉग खत्म करने वाली हूँ। ये सब है जिनसे आज मैं मिली, इनको तो मैं पहले से जानती थी, आप सबसे भी मिल लिया, मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छी, खुश रहो और हंसते रहो, दैट्स इट। और कुछ कहना चाहेंगे आप ऐसे ही, अल्लाह ओके, तो मैं यहाँ पे व्लॉग खत्म कर रही हूँ, थैंक यू सो मच, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, बाय बाय।